हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद वसीम और मेरे चैनल का नाम है कबूतर के। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतर के लंगड़े का इलाज। ठीक है, हमारे पास फिरोज भाई का मैसेज आया था। भाई कहना ये था कि उनके कबूतर के बच्चे हैं और टांग काम नहीं कर रही है। तो भाई मैं बता दूँ, आपके जो बच्चे शायद वो लंगड़े हो गए, एक तरह से लकवे वाली बीमारी है। अली लकवे वाली बीमारी ऐसी होती है कि कबूतर जैसे कि एक गर्दन मोड़ लेता है, ये स्प्रिंग टाइप का हो जाता है, और एक में एक कुंदा छोड़ देता है पर का, और एक जो होता है वो टांग काम करना बंद हो जाती है। तो इनकी केयर और इनकी हिफाजत अपन कैसी करें, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। भाई बारीकी से और आप ध्यान से देखना। अभी कोई भाई मेरे चैनल पे पहली बार कभी आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब भाई अब करना है। क्या है आपको सबसे पहले ये करना है कि आप कम से कम उसको डेली दोपहरी की धूप आती है, बच्चा हो या बड़ा हो, धूप में बिठाओ उसको। आप आधी बीमारी धूप काट देती है, डेली आप उसको धूप में बिठाओ। और हम आपको इस वीडियो में दो इलाज बताएंगे, एक बताएंगे मेडिसिन वाला और दूसरा बताएंगे एक सायरप। दोनों में से आपको जो मिल जाए वो आप यूज़ कर लेना। दावा तो नहीं कर रहा, बाकी कबूतर आपका सही हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप सबसे पहले आप ये करना है, मेडिकल पे जाना। पहले हम आपको टेबलेट्स बताए थे, उसके बाद आपको सायरप बता दें। मेडिकल पे जाना, मेडिकल पे बोलना कि भाई वो टेरामाइसिन गोली आती है वो दे दो, टेरामाइसिन टेबलेट्स दे दो। टेबलेट्स लेके आना है, आधे लीटर पानी में, बच्चा है, आधा लीटर पानी में आधी टेबलेट सुबह, आधी टेबलेट शाम में, ये कंटिन्यू टेबलेट्स आपको 5 दिन चलाना है, कंटिन्यू 5 दिन। उसके बाद फिर आप दिन 3 दिन का गैप करना है, 3 दिन का गैप करने के बाद फिर आपको ये 5 दिन इसी तरीके से टेबलेट चलाना है। और उस टेबलेट के साथ में आपको देना है टेट्रासाइक्लिन पाउडर आता है, साथ में ये एक चुटकी इस तरीके से पकड़ना पाउडर, और आधे लीटर पानी में डाल देना। ठीक है, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू 5 दिन, फिर 3 दिन का गैप करना है, फिर 5 दिन देना है। भाई मैं दावा तो नहीं कर रहा, इंशाल्लाह कबूतर आपका 15 से 20 दिन में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इलाज ये है DS टाइलोपेन। ये नाम आपके सामने है, स्पेलिंग इस नाम से पढ़ लो। और ये सायरप कभी आपको मिल जाए तो ये मान के चलो, ये सायरप ऐसी है कि जैसे आपने देख लिया कबूतर आज लूज से बैठा हुआ है, लूज से बैठा हुआ है, 1 ml, बाकी के छोटी जो छोटी सिलेंज जो आती ना, छोटी वाली 1 ml, 2 ml, तो छोटी सिलेंज से आपको 1 ml और बाकी पानी खींच देना है। पानी लेने के बाद उसी वक्त दे दो, कबूतर सुबह तक का टन टनाट हो जाएगा आपका। ठीक है, कबूतर हल्का सा स्प्रिंग टाइप का हो रहा है, कबूतर कभी लफड़ कभी मार रहा है, तो 1 ml खींच दो पानी के साथ में, इंशाल्लाह कबूतर 3-4 दिन में आपका सही हो जाएगा। मैंने समझ लो ये जो सायरप है इसकी समझ लो 100 बीमारी को ये ख़त्म कर सकता है। तो कभी आपको सायरप मिल जाए तो इसी तरीके से जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया, जैसे आपका बच्चा है वो तो बच्चे को आधे ml देना है एक दिन के आड़ में, डेली नहीं देना आपको, जो आपने आज दिए कल मत देना, परसों देना आपको। आधे ml सिर्फ सुबह के टाइम में देना है, पानी के साथ में दे के उसको आप डेली धूप में बिठाओ,
सुबह की धूप दो या फिर दोपहर की धूप दो, ठीक है, आधी बीमारी तो धूप से ख़त्म हो जाती है भाई। तो इसी तरीके से आपके पास कोई सी भी कबूतर बीमार होते हैं तो उसका आप धूप में बिठाओ, ठीक है, इंशाल्लाह कबूतर आपका सही हो जाएगा भाई। और वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी वीडियो में भाई, जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब भाई।